बहुत कुछ नया इस समय चल रहा है। आपने देखा होगा पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जसपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक असीम गोयल जी सेक्रेटरियट के बाहर बैनर पोस्टर लगाकर सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। जसपा के विधायक मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और जसपा के डिप्टी सीएम कोरोना की आड़ में ताकि उनको आकर, क्योंकि झूठे वायदे जो उन्होंने बड़ौदा की जनता से कि हम भारतीय जनता पार्टी को बाहर उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे, 75 पार जमुना पार कर देंगे, पता नहीं बड़ी बड़ी बातें की थी, आज कोरोना की आड़ में चुप कर बैठे हैं। किसानों की बात करने वाले डिप्टी सीएम उनके जहां पर जब किसानों ने धरना प्रदर्शन किया तो क्या चौधरी देवीलाल जी के पोते अपने आप को कहते हैं, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछारें हुई, ठीक है कोरोना है, आप उनको संबोधित कर सकते थे लेकिन आप छुप कर बैठ गए। आज बड़ौदा की जनता उनको ढूंढ रही है कि जो जसपा को वोट पड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ा था और कांग्रेस को तब भी उन्होंने विजयी बनाया था। जसपा के विधायक जो बरवाड़ा से है मिस्टर सुहाग, उन्होंने उनको लालच दिया गया कि आपको हम चेयरमैन बनाते हैं, उन्होंने चेयरमैन की कुर्सी पर ठोकर मारने का काम किया कि आपने खिलाफ फैसले लिए हैं किसानों के, हम आपके खिलाफ हैं। शाहबाद से विधायक हैं रामकरण काला, लगातार सरकार के खिलाफ बोलते हैं। धर्मपाल गोंदर हैं, वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। इंद्री से विधायक हैं कश्यप, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। और बहुत से भारतीय जनता पार्टी के और जसपा के विधायक हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर होकर वो खिलाफ बोलते हैं। हम तो विपक्ष के हैं, हम तो जरूर बोलेंगे। और एक महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई है, हम हर उस किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं जिसमें किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। जब तक ये सरकार एक चौथा और कानून जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का एश्योरेंस नहीं देती, हम इन काले कानूनों को किसी भी हालत में प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। हमने हमारे प्रदेश के माननीय स्पीकर महोदय को इस सिलसिले में एडजर्नमेंट मोशन और बिल जो है ऑलरेडी हम दे चुके हैं कि जब भी विधानसभा का सत्र होगा सबसे पहले आप इन पर चर्चा करें, नहीं तो हम विधानसभा का सत्र चलने नहीं देंगे। जो ये सारे मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी में हरियाणा सबसे पीछे, परफॉर्मेंस में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे पीछे, GDP में हमारा देश सबसे पीछे, क्राइम में हमारा देश सबसे आगे, क्राइम में हरियाणा नंबर 1, महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध, दलितों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध, और जो हाथरस की बेटी के साथ रेप हुआ उसके बाद कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उसको मिट्टी का तेल डालकर जो फूंकने का काम किया है, एक डेड बॉडी को भी इन्होंने प्रॉपर ढंग से अंत्येष्टि नहीं दी। और मुख्यमंत्री जी गोहाना में खड़े होकर वहां पर कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, तो वो अगर उनको ये लगता है कि ये कांग्रेस के षड्यंत्र है, कि कांग्रेस बेकार रही है, तो BJP की तो सरकार है केंद्र में और राज्य में, तो क्यों ये समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को? इस चीज का जवाब आने वाले समय में 3 तारीख को एक एक वोट हाथ के पक्ष में और फूल मुरझाने का काम हरियाणा की, बड़ौदा की जनता करेगी और बहुत भारी मार्जिन से कांग्रेस पार्टी वहां से जीतने जा रही है।